गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल थे वो कहता रहा मगर। तो गाइस गाइस गाइस, तो स्वागत है गाइस मेरा आप सबका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। तो आज काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, तो कोई ढूंढ रहा हूँ किस पर वीडियो बनाऊँ। तो अभी गांव के अंदर चलते हैं, देखते हैं किस चीज़ पर वीडियो बनाएं, कोई अच्छा सा एक वीडियो बनाएं और आपको दिखाएं कोई अच्छा सा एक वीडियो। तो चलो चलते हैं गाँव में। मेरे को ना गाइस टॉपिक नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, किस पर वीडियो बनाए, तो आप कमेंट में बता देना कि इस चीज़ पर वीडियो बनाओ, इस चीज़ पर वीडियो बनाओ, तो मैं वो कमेंट और जो करोगे वो मैं पूरा करूँगा आपका कमेंट। तो मेरे को बता देना गाइस अब की बार कि किस चीज़ पर वीडियो बनाओ। तो अब चलते हैं गांव में, किस चीज़ पर वीडियो बनेगा आज देखते हैं, आ जाओ मेरे साथ। तो गाइस करते हैं सलब से स्टार्ट। ओ तेरी ये तो ठीक से हो रही है, हो गई। तो गाइस चलते हैं अब गांव की ओर। तो अब किस पर बनाएं वीडियो ये सोच रहा हूँ, चलो आगे देखते हैं किस पर वीडियो बनाएं, कोई अच्छा सा कोई कॉन्टेक्ट मिल जाएगा तो वीडियो बनाएंगे उस पर। गांव के अंदर चलते हैं। तो हाँ गाइस मिल गया कॉन्टेक्ट मेरे को मिल गया। तो हाँ तो दोस्तों ये जो भाई साहब है ना पानी पीने का मजा ले रहे हैं। हाँ दोस्तों अभी मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ पानी के बारे में। तो ये जो पानी है ना गाइस, ये पानी नहीं है, ये हमारा आपका वो जितने भी जीव जंतु वो जो भी चीज है उन सबका ये जीवन पानी का, उन सबका जीवन है। तो इस पानी की कदर करो, बिना मतलब इसको मत भाओ इस पानी को, क्योंकि पानी जल ही जीवन है। तो इसलिए मैं आज इस पानी पर वीडियो बनाएंगे मस्त। तो ये जो पानी है ना गाइस बहुत अच्छा पानी है। तो और हाँ गाइस ये जो मटिया लगी हुई है ये मतलब कि मेरे गांव इधर है मुंजार गांव में आटा है इसके पास लगी हुई है। तो आप भी अब आपके जितने भी आसपास से कोई जगह है जहाँ पर मतलब कि लोग आते हैं वहाँ से निकलते हैं, चलते हैं, रुकते हैं वहाँ पर और चौराहे लगता है वहाँ पर, आप भी जो इधर ये मटकियाँ लगी हुई है इस तरीके से आप भी मटकियाँ हैं और कुछ भी जो भी चीज़ है पानी की व्यवस्था करो आप भी, बहुत अच्छी है ये। मतलब कि सबसे बड़ा धर्म है ये पानी। कितनी गर्मी पड़ रही है अभी के टाइम आप सबको पता होगा, लोग मर रहे हैं इस गर्मी से। इस गर्मी में मतलब कि कोई आदमी आता है दूर से उसको पानी ये जो पीते हैं पानी, तो इस पानी से अंदर जो भी हमारे अंदर है कितना सुकून मिलता है, कितनी स्वस्थ रहता है अंदर से शरीर इस गर्मी में पानी मिल जाए तो। तो आप भी अब आपके गांव में कोई अच्छा सा जगह देकर जहां पर लोग बैठते हैं वहां पर मटकियों की सुविधा करो और पानी पानी की पूरी पूरी सुविधा करो। तो और भी अब दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से इधर का इलाका, कितने लोग रुकते हैं, किधर से आते हैं। तो और हाँ दोस्त हाँ ये भाई साहब आ गए हैं दोस्तों पानी पीने के लिए, रुको भाई साहब मैं पिलाता हूँ आपको पानी। सही है एकदम कूल पानी है, ठंडा पानी है भाई साहब। तो आप बताओ भाई साहब की ये सुविधा आपको कैसी लगी पानी की? बहुत अच्छी लगी ना। तो ये मैसेज देना चाहता हूँ मतलब कि जो भी मेरे फैन लोग हैं वो देख रहे हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी अपने गांव में पानी की मटिया लगाओ, ऐसा करो। तो भाई साहब बताओ ये अच्छी सुविधा है? अच्छी है, बाहर से आते हैं लोग बस उतरते हैं तो इधर आस पास पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ हमारा अच्छी सुविधा। हाँ तो भाई साहब कह रहे हैं कि मतलब ये बहुत अच्छी सुविधा है, तो आप भी आपके गाँव में ऐसी सुविधा करो। तो भाई साहब क्या कहना चाहोगे मेरे फैन लोगों को? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही वीडियो। तो मेरा यही एक छोटा सा संदेश है कि आपके गांव में मटकी की सुविधा हो।